Namaom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswat Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya इसके पहले सवेरे के सत्र में राधा रानी का यह वाक्य उद्धृत किया गया था कि मृगयुरिव कपिंद्रम विव्यधे लुद्ध धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जितह कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद् ध्वंसवद् यः तदलमसित सख्ये दुस्तजस् तत्कथार्थ राधा रानी के वाक्य कम से कम सुनना चाहिए वो क्या कह रही हैं क्या वास्तव में वो बोली हैं संस्कृत में इसको प्राथमिकता दी गई है इस कथा में अब इसके बाद वे बोलती हैं जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्री ददन विधुत्व द्वंद्व धर्म विनष्टः सपदि गृह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह भिय विहंगा भिक्षु चर्जां चरन्ति भ्रमर से श्री राधा रानी बात कर रही हैं तो भ्रमर कह दिया राधा रानी ने कहा कि जितने काले हैं वे दगाबाज होते हैं कृष्ण सांवले हैं तो इसलिए कह रही हैं और किसी को दुखी नहीं होना चाहिए कि लेकिन ये तो क्रोध में हैं तो इसीलिए मान में हैं तो बोल रहे हैं अलम असित सख्य दुस्तेजस तत्कथार्थ श्याम से काले से हमारी जो मित्रता थी प्रेम था बस हद हो गया अब किसी भी काले से कोई प्रेम नहीं करना है किसी भी काली वस्तु से यहाँ तक कि राधा रानी मान में कहती हैं जितनी वृंदावन की कोयल हैं उनको चूना में रंग दो सब उजला हो जाए काला में देखना नहीं चाहती अरे भंवरा भी काला है काला का दूत बन करके आया है और श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं जितने ये काले हैं सब धूर्त होते हैं सांवले जब कृष्ण रामचंद्र बना था तो उस समय भी सांवला था और जो ब्राह्मण बना था उस समय भी सांवला था वामन भगवान भी सांवले थे सांवले हैं तो चाहे वो वामन हो चाहे रामचंद्र हो चाहे कृष्ण हो ये सब समय सभी जन्म में धूर्त रहा है कृतघ्न रहा है और कठोर हृदय वाला इनकी इनके प्रीति से इनसे प्रेम करना अब हद हो गया अब नहीं करना है इनसे
तो भौरे ने कहा कि जब आपकी दृष्टि में श्री कृष्ण इतने बुरे हैं, कठोर हैं, कपटी हैं, तो उनकी बातें क्यों करती हैं आप, उनके विषय में क्यों बोलती हैं? तब राधा रानी कहती हैं, दुस्तेजस तत्कथार्थ, दुस्तेजस तत्कथार्थ, तस्य श्री कृष्णस्य कथा अर्थ कथा रूप प्रयोजन दुस्तेज। क्या कहें भ्रमर, कृष्ण की कथा में ऐसा आकर्षण है, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। उनको तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया, कृष्ण को तो त्याग दिया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कथा रूपी अर्थ धन छोड़ा नहीं जा रहा, दुस्तेज है। हम नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के विषय में बोलें, लेकिन हमारी जिह्वा परबस बोलती रहती है। उसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये जिह्वा को क्या हो गया है, बिना नाम बोले रहती नहीं है। मैं अपने चित्त को, मन को समझाती हूँ, उसके दोषों को गिन गिन करके याद करती हूँ, लेकिन फिर भी मन वहीं चला जाता है। यही देखता रहता है कि बांसुरी बजाता हुआ जमुना के तट पर खड़ा है। अब हम क्या मन को करें, कोई ऐसी चीज खाती कि मन पागल हो जाता, मन कृष्ण का स्मरण ना करे और वाणी कृष्ण का नाम ना ले और कान उसके बारे में सुने ही नहीं कुछ भी। हम इसके लिए परेशान है, दुस्तेज है। वास्तव में भगवान की कथा ही सबसे बड़ा धन है, ये कथा नहीं छूट पाती है। दो तरह की कथा, एक तो कृष्ण ने स्वयं कथा किया है भगवद गीता, और उसके भक्तों ने, सुखदेव आदि ने, व्यास आदि ने उसके बारे में बहुत गाया है कई पुराणों में, इसको कथा कहते हैं। कृष्ण के बारे में कही गई कथा और कृष्ण के मुख से कही गई कथा, ऐसी ऐसी बातें कृष्ण बोले हैं, तो जब मीठी मीठी बात याद आती है तो वो भूलती नहीं, वो दुस्तेज है। और श्री कृष्ण के विषय में कोई बोलता है तो वह छूटती नहीं है, ये दुस्तेज। और यह भी जानती हैं कि श्री कृष्ण की कथा सर्वस्व विनाशनी है, ये जानते हुए भी कथा नहीं छूटती है। तो आगे कहते हैं, जदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट जत जत यस्य कृष्णस्य अनुचरितम। प्रति क्षण वो जो करता है उसको अनुचरित कहेंगे, उसका चलना, उसका खाना पीना, बांसुरी बजाना, गाय चराना, प्रत्येक क्षण जो क्रिया करता है। और चरित का अर्थ है श्री कृष्ण का श्रृंगार, वेशभूषा, उनका वस्त्र पहनना और श्रृंगार धारण करना, मोरपंख आदि पहनना, ये तो वेशभूषा हुआ। वो वनमाला, कुंडल, नूपुर, सांवला शरीर और उस पर पीताम्बर, ये रूप का स्मरण होता है। और इसके साथ जो कुछ करते हैं, बांसुरी बजाना, मुस्कुराना, मुस्कुरा करके देखना, त्रिभंग ललित मुद्रा से खड़ा होना, चलना, गाय को पुकारना। श्री कृष्ण बड़े ही ढंग से पुकारते थे राधा रानी को, किसी को गाय का नाम रख लिए थे गौरी। तो गोप की भाषा में हे गौरी, गौरी मतलब वो गोप बालक समझते थे कि गौरी गाय को बुला रहे हैं, लेकिन वो गौरी को नहीं, गोरी को बुलाते थे, बांसुरी में ही बुला लेते थे। सब कोड था, फिर तक पहले से जानकारी थी कि ये बोलूँगा तो उसका क्या अर्थ होगा।
तो इस तरह का बोलना, हंसना, देखना, खाना, यह है अनुचरित। और इसके अलावा जो विविध विशेष लीला किए हैं, जैसे गोवर्धन धारण, दावानल पीना, बकासुर का वध, पुतना का वध, और बच्चों के साथ नृत्य करना, गोप बालकों के साथ नृत्य करना, या घर में आकर माखन की चोरी करना, माखन मांगना और कभी कभी चोरी करना, इसको अनुचरित कहेंगे। जस्य अनुचरितम, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, राधा रानी कहती हैं कि वही लीला है, प्रत्येक क्षण में जो कुछ करते वही लीला है, वही विलास है, और वह विलास कर्ण पीयूष है। उसका वर्णन, उसका गान कानों के लिए महा अमृत है। उस अमृत का विप्रुट एक कणी का, एक कण भी सकृत एक बार भी कोई अदल पी ले कान से, उस लीला कथा के अमृत को एक बार भी सकृत अभी अदल आचमन कर ले, उसको सुन ले, विधुत द्वंद धर्मा, उसका द्वंद धर्म विनष्ट हो जाता है। द्वंद धर्म क्या है? दो दो का धर्म, जैसे स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं, इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। जो साथ में रह करके किया जाता है वो है द्वंद्व धर्म, माता पुत्र या पिता पुत्र, भाई भाई, या और भी जो संबंध है, परिवार है, गांव है, समाज है, इसको द्वंद्व धर्म कहा गया है। तो जो कोई कृष्ण की कथा अमृत का एक बूंद भी पी लेता है, सुन लेता है, तो उसका द्वंद धर्म विनष्ट हो जाता है। यदि पुरुष सुन ले, पति सुन लेता है कृष्ण कथा, तो पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी छोड़ सुन लेती है थोड़ी सी कथा, तो पति की सेवा छोड़ देती है। यदि बच्चा सुनता है तो अपने माँ को छोड़ देता है, पागल हो जाता है। ये कथा ऐसी है कि, और माँ यदि सुन लेती है तो बच्चे को भूल जाती है, पिता सुन लेता है तो पुत्र को भूल जाता है, समाज को, गांव को, सबको भूल जाता है। और कोई मालिक है कहीं का, वो सुन ले तो सेवकों को छोड़ देता है, सेवक सुन ले तो स्वामी को छोड़ देता है। कृष्ण कथा ऐसी मादक है, अनिष्ट करने वाली है। उसका कान के लिए तो अमृत है, कान के लिए तो बहुत अमृत है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर लगता है कृष्ण का प्रसंग, लेकिन परिणाम क्या होता है? सब जगह से बैराग हो जाता, मन हट जाता। यही है विधुत द्वंद धर्म विनष्टा, और कथा सुनने वाले एकदम विशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं, विनष्टा। नष्टा का ये अर्थ है कि जब घर गृहस्थी में रुचि नहीं रही, न शरीर का ध्यान है, न इज्जत का ध्यान है, न स्वजनों के स्नेह का ध्यान है, विनष्ट हो जाता है। ऐसे एक नहीं है भ्रमर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहवा, बहुत बहुत लोग विनष्ट। सपदी गृह कुटुम्बम दीनम उत्सृज दीना, वे कथा सुने तो सपदी तत्काल तुरंत ही गृह कुटुम्बम उत्सृज, घर और परिवार को छोड़ देते, जबकि वे बेचारे दीन रहते हैं। हो सकता है स्त्री अपने पति के वियोग में, पति जा रहा है छोड़ करके, रो रही हो, दीन है, बच्चे रोते हैं, और घर के लोगों का कोई सहारा नहीं होता है, कोई उपार्जन करने वाला नहीं रहता है, इसलिए दीन। तो वही उपार्जन करता था, जिलाता था परिवार को, लेकिन कथा सुनने पर अब चाहे परिवार रोवे गावे कुछ भी करे, अब छोड़ देता है। तो ये कथा विनाशनी है ना, कथा विनष्ट कर देती है।
केवल कृष्ण ही विनष्ट नहीं करते हैं, कृष्ण की कथा भी विनाशकारिणी है, यह अर्थ है। और परिवार दीन रहता है, ऐसे लोग स्वयं ही दीन हो जाते हैं, अपने पास भी कुछ रखे नहीं, वो भी दीन होकर के पक्षी बन करके विहंगा इव भिक्षु चर्जाम चरंत। जैसे पक्षी जहाँ तहाँ उड़ते हैं, कोई घर गृहस्थी का बंधन नहीं रखते हैं, ऐसे बहुत बहुत जो भी कथा सुनते हैं वो विहंग बन करके, विहंग का अर्थ परमहंस, हंस बन करके और चल देते हैं, घर से उड़ते हैं, भिक्षु चर्जन चरनते और जहाँ तहाँ मांग करके मधुकरी करके खाते हैं। कहाँ आते हैं एक कथा सुन करके, इह अस्मिन वृंदावन, इसी वृंदावन में आ जाते हैं और हम लोगों की तरह दुख के समुद्र में पड़ जाते हैं। प्रकारांतर से कृष्ण कथा की प्रशंसा की जा रही है। जैसे कृष्ण सर्व घातक हैं, वैसे उनकी कथा भी सर्व घातिका है, विनाशनी है। जो कथा सुनते हैं एक बार भी उस कृष्ण लीलामृत को पीते हैं तो वे घर गृहस्थी से उपराम हो जाते हैं, उपरत होते हैं और विहंग जैसे, पक्षी जैसे घूमते हैं। पक्षी का कोई गृहस्थी नहीं है, है ना? कोई किचन, कोई भंडार बनाना, भोजन बनाना पक्षियों के घोंसले में नहीं होते हैं। बस उड़ते हैं, चलो उड़ जा रहे पंछी, अरे देश हुआ बेगारे, उड़ करके जहाँ तहाँ खाते पीते हैं। लेकिन ये पक्षी जो कथा सुनते हैं, पक्षी का अर्थ हंस, अर्थात हंस का अर्थ विवेकी जन, कृष्ण कथा सुनते हैं, ये लोग घर गृहस्थी छोड़ करके रोते कलपते हुए बंधुओं को और अपने को भी, अपने भी दिन रहते हैं, कुछ रहता नहीं है, तो चले आते हैं कहाँ, इह ये सब वृंदावन में चले आते हैं। और यहाँ भिक्षु चर्जाम चरंती, यहाँ बस कमंडल उठाए और मधुकरी चालू की, लोटा पुलिस में भर्ती हो जाते, भीख मांगने वाले को लोटा पुलिस कहते हैं, कथा सुने कि लोटा पुलिस में हो। और जगह तो भिक्षा शुद्ध बिना प्याज के मिलती नहीं है, पर ब्रजमंडल ऐसा देश है जहाँ बिना प्याज के सब कुछ मिलता है, वहाँ मधुकरी कर सकते हैं। इधर किसी के घर में कोई मांगने जाए तो जो वैष्णवों का घर है वहाँ तो शुद्ध मिल जाएगा, और बाकी लोगों के यहाँ शाकाहारी भोजन मिलेगा लेकिन बिना प्याज लहसुन के नहीं मिलेगा। और ज़्यादा घर तो ऐसे हैं कि वहाँ आमिष चलता है, भले साल में दो चार बार चले लेकिन धर्म तो बिगाड़ ही कर रहते हैं, है ना? और घर में न भी बने तो कुछ न कुछ, कोई न कोई आदमी होटल में मांस का स्वागत कर ही लेता है, ये दशा है इधर की। तो इधर तो एक मधुकरी करने लायक भी कोई घर नहीं रहता, पर यह का अर्थ इस वृंदावन में वे भिक्षु बनकर आ जाते हैं, भिक्षु चर्जा चरंत, मधुकरी करके रहते हैं और कोई संग्रह नहीं, केवल पेट भर, जीविका मात्र, पेट भर गया। देखा जाता है कि साधुओं का केवल 24 घंटे में एक दो बार पेट भर जाए तो समझते हैं कि हमारे आगे अब प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं। हाँ, इतने सुखी रहते हैं, और कोई काम नहीं होता लेकिन
कथा अटेंड करते हैं, कोई साधु कथा कहता है, कहीं गा रहा है तो जाकर सुनते हैं। ये कथा सब विनाशिका है ना, इसलिए उसकी कथा हमारे सामने मत बोलो, उसके बारे में बोलो मत। तो ब्याज स्तुति है भगवान की। कथा सुनने पर कृष्ण में, भगवान में मन लगता है और व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, फिर ये द्वंद्व धर्म कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा न लगे, त्रिवर्ग समाप्त हो जाए, अर्थ न अर्थ कमाए, न विषय भोग की वस्तु इकट्ठा करे, और स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ नहीं, धर्म न करे इत्यादि, तो उसको विनष्ट ही कहा जाएगा। लोक में लोग यही समझते हैं कि ये तो गया दुनिया से। आज भी यही बात है, कोई साधु हो गया तो लोग समझते हैं कि अब तो ये गायब हुआ, किसी काम का नहीं रहा। साधु होना मतलब किसी काम का नहीं, तो लोक के भाव जो है उसी का अनुवाद राधा रानी कर रहे हैं। कृष्ण कथा इस तरह से सबको विनष्ट करती है।